गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम शुरू करेंगे प्लस वन की फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में अपने पास बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम जीरो यूनिट के नाम से जानते हैं। जीरो यूनिट, जीरो यूनिट क्यों कहा गया बेटा? जीरो यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये 10 यूनिट्स हैं ये इस जीरो यूनिट की मदद से ही सीखी जाएंगी। जीरो यूनिट की मदद से क्यों सीखी जाएंगी? क्योंकि इस जीरो यूनिट में प्योर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है और ये मैथमेटिक्स हमारी इन यूनिट्स को पढ़ने में मदद करेगा। इसमें मैथमेटिक्स में अपने को कई चीज पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरा अपने को पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तीसरा अपने को पढ़ना है इसमें ग्राफ के बारे में। चौथा अपने को पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन। चौथा, उसके बाद अगला है अपने पास इंटीग्रेशन। ये सारी चीज़ें बेटा अपने को इसमें पढ़नी है। एक आध चीज़ और इसमें ऐड करेंगे हम बाद में, वो मैं बता दूंगा आपको। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें, ये मैथमेटिक्स अपने को आना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज फिजिक्स अपने को समझ में नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं आए तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अपन इनको एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा, एंड फोकस करना है बेटा। वन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे वापस रिप्लाई करें और बोलना सर ये चीज़ दोबारा से बताओ, हमें समझ में नहीं आई। ओके ओके, लेट स्टार्ट फिजिक्स। ओके बेटा, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को। लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ हार्ड फास्ट नहीं है। बस थोड़ा जो अपने को फिजिक्स में यूज होना है उन टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो अपने काम के। ट्रिग्नोमेट्री सारा कुछ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आता है एंगल। क्या आता है? एंगल। तो एंगल को हम कैसे बताएंगे बेटा? मान लो अपने पास ये एक लाइन है, इनिशियली ये है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरी लाइन है। ये लाइन पहले कैसे थी अपने पास? ये सिचुएशन है, ये इनिशियली दो लाइन अपने पास इस सिचुएशन में है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ऊपर वाला जो मेरा है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। टाइम के अनुसार ये कम भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो दिस, मान लो किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर ये इस सिचुएशन में आ गया, इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो है ये हम बोलेंगे एंगल है हमारे पास, ये क्या है? थीटा। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है, ये कितने अमाउंट से रोटेशन हुई, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस बाय द लाइन। इस एंगल ने कितना एंगल, इस लाइन ने कितना एंगल ट्रेस किया, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल। इस लाइन ने कितना एंगल, तो ये लाइन है वो टी टाइम में मान लो यहां चली गई, तो ये जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशन है, दिस इज कॉल्ड एंगल। तो बेटा एंगल को हम कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव? जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली क्या है, दोनों इस प्रकार से है, तो ये तो अपनी जगह पे फिक्स है ये नीचे वाला, तो फिर दूसरा क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये पेन कैसे रोटेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज, जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे, और यदि एंगल है वो इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, मान लो ये जो पेन है अपनी जगह फिक्स है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इट मींस एंगल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये याद रखने की बात है कि कब एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे, कब एंगल को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ओके, अब बेटा एंगल है उसको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम तीन सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। एंगल को मेजर करने के अपने सिस्टम है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो ये है अपने पास
सेग्जेसिमल, क्या है सेग्जेसिमल सिस्टम। सेग्जेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब आप लोग सभी को पता है बेटा क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये वाला केस, ये कितना एंगल 90 डिग्री, और ये कौन सा है अपने पास, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे घूमती जा रही है और लास्ट में फाइनली कैसी होगी, ऐसे 90 डिग्री के साथ होगी, ठीक है। तो ये जो है राइट एंगल, उसके बाद है अपने पास वन, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 60 मिनट्स के बराबर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। और मिनट को बेटा हम ऐसे लिखते हैं, एक 60 के ऊपर हमने एक छोटा सा डैश लगा दिया, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 60 मिनट्स बन जाएगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास है 1 मिनट, 60 मिनट कितने के बराबर होती है, मतलब एक मिनट है वो किसके बराबर होगी, 60 सेकंड के बराबर, ये तो आपको पता ही है। दोबारा से, वन राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, और एक मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होती है। सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला सिस्टम था सेग्जेसिमल, दूसरा है सेंटेसिमल। दूसरे सिस्टम का क्या नाम है, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल था, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है वो 1 ग्रेड के बराबर होता है। 1 ग्रेड स्टैंड्स फॉर यहाँ पे 100 ग्राम। 1 राइट एंगल किसके बराबर है, 100 ग्राम के। और 1 ग्रेड किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स के बराबर। 1 ग्रेड किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स। मिनट्स को फिर से हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 मिनट है वो कितने के बराबर है, 100 सेकेंड के बराबर। 1 मिनट किसके बराबर है, 100 सेकेंड के बराबर, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब आता है बेटा तीसरा सिस्टम अपने पास, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये अपने जो पेन है, ये मान लो अपनी एक लाइन है, और ये क्या कर रही है, ऐसे सर्कल में रोटेट करती है, ऐसे क्या कर रही है, सर्कल में रोटेट कर रही है, सर्कल में ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, तो बेटा हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मींस ये जो लाइन है, वो कैसे रोटेट करती है, इन ए सर्कुलर पाथ। कैसे रोटेट करती है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, ठीक है। दिस लाइन इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल मेजर करते हैं हम, किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो 1 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। 1 एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर। मतलब इसको ऐसे बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस, और अगर मैं थीटा को 1 रेडियन, इसको 1 बोलना चाहूँ, इसको क्या बोलना चाहूँ, 1, तो मेरे को ये भी 1 लेना पड़ेगा और ये भी क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये आर्क है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेंटर पे जिसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर है, वो रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि अगर अपने पास एंगल दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, देन हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इंटू रेडियन। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना मीन्स सेग्जेसिमल सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। तो जो बेटा एक पूरा जो सर्कल होता है अपने पास, कितने रेडियन का होता है, 2π रेडियन का, और 2π रेडियन इज इक्वल 360। तो यहाँ से 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो यहाँ से अगर अपने को किसी भी चीज को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लो 60 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 60 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 60 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाई 180, यहां से पाई बाई, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो 60 कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बाई 3 के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 90 को कन्वर्ट करना है तो पाई डिवाइडेड बाई 180
तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। तो 90 कितने के बराबर होता है, 90 कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अपने पास आता है क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वर्जेंस। कितने क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, चार क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फिफ्थ क्वाड्रेंट।